हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जून मंथ 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए और आपकी डेली जानकारी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और दावा है दोस्तों, अगर आप हमारे वीकली और मंथली जो सेशन है वीडियो का, उससे रेगुलर कनेक्टेड हैं, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन और सीखते हैं कुछ नया। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है गाइस आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो आप देख सकते हैं कि हाल ही में कौन सी कंपनी अंतरिक्ष की कक्षा में मानव पहुँचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है गाइज, ये आपको यहाँ पे बतानी है, जो पहली निजी कंपनी है वो बन गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा गाइज SpaceX। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, तो याद रखें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एंड वीडियो को जितना उसके शेयर करें ताकि और भी जुड़ सकें। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले SpaceX का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे हम जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको पता है जो कंपनी है वो एलोन मस्क के द्वारा स्थापित की गई है, CEO हैं इसके, और जो इसकी स्थापना हुई है वो 2002 में की गई थी, ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा ये SpaceX जो है वो टेस्ला पे काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करती है, सोलर सिस्टम पे काम करती है। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन, तो आप ध्यान से इसे रीड करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो बात करते हैं सेकंड है, हाल ही में किसने फ्रांस का क्रिस्टोफर मेरियाकस जो पुरस्कार है वो जीता है गाइज। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा किसने जीता है ये, तो ये जीता गया है दोस्तों यहाँ पे क्वारेशा अब्दुल करीम के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गाइज, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में किसने हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो कैरेट इंडिया जो है एक न्यूज़ चैनल है गाइज, यहाँ पे इसके जो CEO अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं यहाँ पे अनिता कोटवानी को। तो ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये याद रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अनिता कोटवानी एंड इमेज में कैरेट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेट इंडिया जो है अपॉइंट्स किया है अनिता कोटवानी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा जो है प्रतियोगिता का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर गाइज, और इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में रखें। हम मंथ के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे गाइज वन बाय वन। और साथ ही आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी होती है तो प्लीज़ आप वीकली सेशन जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देखें आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए शोल्डर नामक जो है ऐप विकसित की गई है। तो ये जो ऐप है वो किसके द्वारा विकसित की गई है दोस्तों, ये की गई है यहाँ पे गूगल के द्वारा, ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे निम्न में से किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की है। तो ये किस देश के द्वारा की गई है दोस्तों, ये की गई है अपने देश भारत के द्वारा, ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो केरल ने अभी 2020 दिसंबर में के फोन परियोजना का आरंभ किया है। तो के फोन परियोजना किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पे बताना है, इमेज में भी आप देख सकते हैं केरल की फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना है ये, एक्चुअली के फोन की फुल फॉर्म है ये, आप जरूर ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अभी यहाँ पे किससे ये कनेक्टेड है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन 3 जो है राइट होगा गाइज, मुफ्त इंटरनेट देने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है गाइज उनको मुफ्त इंटरनेट देने के लिए ये योजना आरंभ की गई है, तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पोर्टल वो लॉन्च किया गया है। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पे, रवि शंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, तो भारत की सबसे पहली डॉल्फिन जो वैधशाला है वो कहाँ पर बनाई गई है। तो पहली डॉल्फिन जो वैधशाला है वो बनाई गई है दोस्तों बिहार में, ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो किसे निम्न में से बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए यहाँ पे नामित किया है ये आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल इम्पोर्ट जो रत्न पुरस्कार है उसके लिए
किसे नामित किया गया है दोस्तों? यहाँ पे ये किया गया है अभी रोहित शर्मा को, काफी फॉर्म में रहे हैं इस बार, तो आपने देखा है फोर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा एरोप्लेन में संपर्क रहित जो है मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है दोस्तों यहाँ पे? तो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़े से अपसाइड डाउन हो गए हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के जो है छात्रों ने ये बनाई है दोस्तों, तो ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हम 12 है, निम्न में से किसके द्वारा कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुस्तकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है आपका मोहम्मद अब्दुल मंदान के द्वारा, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एंड काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है बुक्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे जितने भी बुक्स अभी तक लिखी गई हैं उनको हम यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे। अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप यहाँ पे, तो देख सकते हैं हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर जो बुक है वो लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द अनरिटन ऑफ प्राउड पीपल जो बुक है वो बाई ग्रीस कुबेर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो मिडनाइट इन चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर डिजास्टर से लेकर है ये बुक लिखी गई है एडम हिगिन बोदम के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बुक है विजन एट कारगिल बुक है बाय वीएन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो आप वीकली सेशन से अगर आप कनेक्टेड हैं तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करते हैं एवरी सिंगल क्वेश्चन बनाकर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 का है, निम्न में से हाल ही में खेलो ई इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने हाल ही में खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों यहाँ पे? तो ये किया गया है आपके यहाँ पे किरण रिजू के द्वारा, ऑप्शन जो टू है आपका करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये है किरण रिजू जिनके द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो 14 का क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने हाल ही में निसर्ग चक्रवात तूफान को जो टकराने के खतरे बताए हैं वो किन दो राज्यों में बताए हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है कौन से दो राज्य हैं जिनके लिए निसर्ग चक्रवात तूफान के लिए खतरे बताए गए थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात, आपको पता है काफी प्रोनेंट एरिया है, तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में, रीजनल जो नेम्स होते हैं इनके साइक्लोन्स के वो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इंडियन ओशन में जो है इनको साइक्लोन्स बोला जाता है, इसके बस अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अटलांटिक रीजन में हम बात करें तो इनको हरिकेन बोला जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड इनको विलीविलीज, और चीन की बात करें तो टाइफून, यूएसए में इनको टोर्नेडो भी नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो निम्न में से किसे हाल ही में आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किसे आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? ये किया गया है अभी रोहित शर्मा को, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 16 का, और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया, वो आप जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी तक बने हैं 2020 के सभी मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर महिला खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा क्रिकेटर महिला को दोस्तों, इनमें से किसको दिया जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दीप्ति शर्मा जो है उनको मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं दीप्ति शर्मा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, तो बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया ने निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया ने किसे किया है दोस्तों यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किया गया है आपका बोथ वन एंड टू जो है राइट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन फोर विकास कृष्णन को और अमित पंगाल को यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 की, तो देखेंगे हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इनमें से आपको बताना है जो हारून इंडिया आर्ट है इसमें किसने टॉप किया है यहाँ पे? तो ये टॉप किया गया है दोस्तों अनीस कपूर के द्वारा, ऑप्शन जो वन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं ये है अनीस कपूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो निम्न में से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये आपको सारे याद कर लेने हैं एक साथ, राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के लिए अलग अलग खेल से रिलेटेड अलग अलग खिलाड़ियों को चुना गया है। तो यहाँ पे किसे चुना गया है एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा? तो यहाँ पे चूज किया गया है नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है गाइज, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं निम्न में से किसे एडिडास ने भारत का अपना नया एम्बेसडर बनाया है?
तो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ एडिडास ने बनाया है। किसे बनाया है दोस्तों? मानुसी छिल्लर को, आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं मानुसी छिल्लर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की है? तो ये जो बुकलेट है ये किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज। तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की बात करें। 22 है। तो निम्न में से किसने अभी कोरोना ट्रैक्शर BD मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है? यहाँ पे आपको मैं बता दूँ BD से मतलब है बांग्लादेश। तो सिंपल है, आप इजीली पता कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के द्वारा ये लॉन्च की गई है दोस्तों, कोरोना ट्रैक्शर BD नाम से जो मोबाइल ऐप है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट बताते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। तो निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में मेघ संदेश ऐप लॉन्च की है? तो मेघ संदेश जो ऐप लॉन्च की गई है वो की गई है यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है गाइज। और ऐप से रिलेटेड भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन है दोस्तों यहाँ पे डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले जो हैं वो? नाम है जावेद अख्तर। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान में रखें। और इमेज में आप देख सकते हैं जावेद अख्तर हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। तो देख सकते हैं किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन जो है प्लेटफॉर्म जारी किया है? तो ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है दोस्तों? ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो रिसेंट न्यूज़ में रहा है निगाह ऐप जो है वो भी दोस्तों आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। और जो जगन्नाथ विद्याधिवेना योजना है वो भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। तो ये थी रिसेंट न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किसने कोरोना के लिए कोविड बीप ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो कोरोना बीप ऐप जो लॉन्च की गई है हाल ही में ये की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर है गाइज ये एक। तो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं जितेंद्र सिंह को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 27 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्न में से किस में हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ 2020 जीता है? तो यहाँ पे किसने जीता है दोस्तों EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ 2020? तो ये जीता है किरण मजूमदार शो ने। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं राइट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। और साथ ही इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं किरण मजूमदार शो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, 28 का है। निम्न में से हाल ही में किसने ई शॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ई शॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है ये किया गया है हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 29 की। तो निम्न में से किस राज्य ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राजकौशल पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, आप देख सकते हैं। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा और काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा देश अभी हाल ही में क्रिस्टोबोल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित है? तो क्रिस्टोबोल नामक जो तूफान है चक्रवात है वो कहाँ पर आया हुआ है ये आपको बताना है। तो ये है अमेरिका में आया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 3 आप जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, अमेरिका में ये तूफान अभी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें 31 के क्वेश्चन की। तो हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण जो सूचकांक है 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सूचकांक के क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 168 दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, याद रखें। और बात करें फर्स्ट पर रहा है तो डेनमार्क और सेकंड पर है लग्जमबर्ग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अभी आप जरूर ध्यान में रखें। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो निम्न में से किस राज्य के द्वारा पंचवटी योजना आरंभ की गई है? तो किस राज्य ने अभी पंचवटी योजना जो है वो आरंभ की है दोस्तों? ये की गई है आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें 33 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है किसे दोस्तों यहाँ पे? तो जावेद इकबाल जो वाणी है यहाँ पे, ऑप्शन 3 आप देख पा रहे हैं जो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं जावेद इकबाल वाणी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 34 है। निम्न में से किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है?
तो नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से जिसे सम्मानित किया गया है वो हाँ आपके यहाँ पे रंजीत कुमार, ऑप्शन टू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर माइंड में रखेंगे गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में से किस राज्य में शहरी स्वास्थ्य उत्थान योजना जो है वो आरंभ की गई है। तो शहरी स्वास्थ्य उत्थान योजना जो आरंभ हुई है वो ही है आपके मध्य प्रदेश में, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 36 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने संपर्क रहित फिजीज नामक जो है ऐप लॉन्च की है। तो ये जो ऐप लॉन्च की गई है ये की गई है आपके IIT गुवाहाटी के द्वारा, ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है गाइज तो याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 को डिस्कस करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं निम्न में से किसके द्वारा ए बर्निंग उपन्यास जो है वो लिखा गया है। तो ए बर्निंग उपन्यास जो है लिखा गया है किसके द्वारा, मेघा मजूमदार के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है। आपको पता है यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं मेघा मजूमदार, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो नौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा अभी जारी किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपके पश्चिम बंगाल के द्वारा, ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 39 के क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे मिला है दोस्तों अभी हाल ही में, ये मिला है आपके शोभा शेखर को, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें 40 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस देश में शंभू एस कुमारन को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो अभी शंभू एस कुमारन को जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है दोस्तों फिलीपींस में, आपका ऑप्शन थ्री जो है राइट होगा, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं शंभू एस राजन को, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन थ्री जो है आपका राइट होगा। इसी के साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है तो यहाँ पे जितने भी अभी हाल ही में राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सुनील कुमार सिंघल की बात करें फर्स्ट है जो पापुआ न्यू गिनी में अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त किए गए थे। रविश कुमार की बात करें तो फिनलैंड में इनको नियुक्त किया गया है। आगे गायत्री कुमार जो हैं ब्रिटेन में और उच्चायुक्त बने हैं ये, और राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो रोमानिया में राजदूत हैं। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मोनिका मेहता की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है, शंभू एस कुमारन को हमने अभी देखा फिलीपींस में, और बेल्जियम की बात करें तो संतोष झा हैं, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं विजय खंडूजा जो है राजदूत बने हैं अभी जिम्बाब्वे के अभी हाल ही में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको आप जरूर ध्यान में रखें, मैंने सभी एक ही साथ आपको याद करवाने के लिए बता दिए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे हम बात करते हैं 41 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ चेदोडू जो योजना है वो शुभारंभ हुई है। तो जगन्नाथ चेदोडू जो योजना है ये अभी शुभारंभ किया गया है दोस्तों आपके राज्य आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 के क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने COVID-19 के रोगियों के लिए वारबोट नामक जो है रोबोट विकसित किए हैं। तो वारबोट नामक जो रोबोट विकसित किए गए हैं ये किए गए हैं आपके त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप जरूर ध्यान में रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो भारत नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है। तो फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों ये आपको यहाँ पे बताना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 108 का स्थान जो है अभी भारत ने हासिल किया है, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बताइए फीफा की तो थोड़ा जान ले, मोटो जो है फीफा का गाइज वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, और फाउंडेड इन 1904 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और जो हेडक्वार्टर है बात करें तो वो स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड द अदर स्टोरी जो है ये नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें। ये लिखी गई है दोस्तों शोभा डे के द्वारा, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी के साथ देख लेते हैं जितनी भी बुक्स अभी तक हमने नहीं देखी हैं, तो वो सारी बुक्स मैं आपको कवर करवा दूंगा इस बार। तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, फर्स्ट है आप द डाई फास्टिंग मिरेकल्स जो बुक है डिप्राइव टू थ्राइव ये लिखी गई है ल्यूक कोटिहनो के द्वारा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर जो है सुधामूर्ति के द्वारा हमने ऊपर भी देखा, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक जो है वो ग्रीस कुबेर के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट मिडनाइट इन चेर्नोबिल जो है वो एडम हिग्निबोथम के द्वारा लिखी गई है ये आपको बताया ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं
विजयन दैट कारगिल जो बुक है वो लिखी गई है आपके यहाँ पे वी एन थापर और नेहा द्विवेदी, तो इम्पोर्टेंट है जो आपके नीचे अभी स्टार्ट होंगी कि क्लारा एंड द जो सन है वो लिखी गई है काजुओ इशिगुरो के द्वारा यहाँ पे। और जो अगली की बात करें तो लॉकडाउन लाइज एंड लिविंग जो हमने अभी देखा शोभा डे के द्वारा। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ सुहेल देव जो है किंग हु सेव्ड द इंडिया, ये बुक जो है लिखी गई है गाइज ये लिखी गई है अमित त्रिपाठी के द्वारा। और यहाँ पे आपके लिए एक बुक है जो अभी हाल ही में लिखी है, अभी क्वेश्चंस काफ़ी रहे हैं, तो हैशटैग मी टू जो बुक है ये लिखी गई है करणपुरी के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ तक हमने जितनी भी बुक्स हैं वो सभी डिस्कस कर ली हैं अभी तक जो लिखी गई हैं, आपको कोई भी अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एवरी टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, तो अगर वीडियो ज़रा भी यूजफुल हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड जुड़े रहें हमसे कंटिन्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं तो निम्न में से स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जो है आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है आपके यहाँ पे CSIR के द्वारा, ऑप्शन टू जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल फॉर्म की बात करें CSIR का जिक्र आया है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 की बात करें तो निम्न में से किस कंपनी को अभी दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, तो किसे मिला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप आ रहे हैं, जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको मिला है, ऑप्शन फोर जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 47 है स्क्रीन पर, तो न्यूज़ में रही लोनार झील जो है पानी उसका रंग गुलाबी हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लोनार झील है ये किस राज्य में है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो ये किस राज्य में पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन थ्री जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 के क्वेश्चन की, तो आप देख पा रहे हैं हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने कोरोना स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट जो है वो तैनात किया है, तो कौन सा रोबोट हाल ही में सेंट्रल रेलवे के द्वारा तैनात किया गया है, ये किया गया है कैप्टन अर्जुन दोस्तों, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 49 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से किसे नासा ने पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो किसे किया है दोस्तों यहाँ पे, ये किया है कैथी लूडर्स को, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में घर घर निगरानी ऐप जो है वो लॉन्च की है, तो घर घर निगरानी जो ऐप लॉन्च की गई है ये आपके यहाँ पे पंजाब के द्वारा की है, ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्न में से किसने हाल ही में जर्मी बैन नामक डिवाइस जो है वो विकसित किया है, तो जर्मी बैन जो है वो डिवाइस विकसित किया गया है यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन थ्री जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है, तो माइंड में रखें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 52 की, तो भारत में आयोजित वर्चुअल प्रतियोगिता द क्वालिटी ऑफ न्यूजीलैंड कुलिनरी कप के विजेता कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस कप को जीतने वाले बने हैं दोस्तों अंगद सिंह राणा, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, इमेज में आप देख सकते हैं ये है अंगद सिंह राणा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो निम्न में से किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो अभी हाल ही में इनमें से किसे किया है दोस्तों, हिमा दास को यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम हिमा दास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हिमा दास का जो निकनेम है वो ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है और ये आसाम की रहने वाली हैं, स्प्रिंटर हैं, तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं हिमा दास हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 54 की, तो निम्न में से कहाँ पर राजा पर्व जो है या फिर रज पर्व जो है वो मनाया जाता है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, ये पर्व जो है मनाया जाता है आपके उड़ीसा में, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो शारजा शतरंज जो चैंपियनशिप जीती है दोस्तों ये यहाँ पे ये किसके द्वारा जीती गई दोस्तों, ये जीती गई है सक्रियार मामेदीरो के द्वारा, ऑप्शन टू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की ओर, तो बात करें निम्न में से किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण योजना अभियान जो है वो आरंभ किया है, तो किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपके बिहार के द्वारा, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की ओर, तो हाल ही में चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक 2021 गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा, तो कौन करेगा गाइज यहाँ पे, ये की जाएगी बहरीन के द्वारा, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर ए आर एन टी जो है ये ऐप
लॉन्च की गई है। तो एयर एंटी जो ऐप है वो लॉन्च की गई है दोस्तों यहाँ पे आपके मुंबई शहर में। तो ऑप्शन टू जो है आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पाब्लो अल्बरेंगा जो है हाल ही में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, वो किस देश से संबंधित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो किस देश के हैं दोस्तों, ये हैं आपके उरुग्वे के। ऑप्शन फोर जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो TS वेदर नाम से जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन फोर जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्न में से किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है वो जीता है। तो जर्मन बुक ट्रेड का जो प्रतिष्ठित जो शांति पुरस्कार है वो जीतने वाले बने हैं यहाँ पे अमृत्य सेन। ऑप्शन टू जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं जो है वो नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो महास्वयं जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन फोर जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर तो हाल ही में किस देश के द्वारा कोविड वॉर नामक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। तो कोविड मोबाइल ऐप जो वॉर लॉन्च की गई है ये की गई है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर, तो इम्पोर्टेंट है, एक अलग देश के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है तो आप जरूर ध्यान में रखें जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी काफ़ी खबरों में है दोस्तों, और तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। और साथ ही आपको पता है ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जियोग्राफी बेस से भी, तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। और इसी के साथ मैं दोस्तों बता दूं 1200 प्लस क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए, SSC चाहे CGL हो, JEE हो, AE हो या CHSL हो, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को हाल ही में आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो आयुष मंत्रालय में किसे शामिल किया दोस्तों यहाँ पे किया गया है अनुष्का शर्मा को, ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथ ही बात आई है आयुष की तो इसकी फुल फॉर्म आपको अक्सर पता होना चाहिए, पूछ ली जाती है। तो ए से बनता है आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी, वाई से यू से यूनानी, और एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 है, निम्न में से कहाँ की खेल अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने के लिए चुना गया है। तो कहाँ की खेल अकादमी को चुना गया है दोस्तों, ये चुना गया है आपके यहाँ पे नागालैंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फोर में आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो जो है वो योजना आरंभ की है। तो ये जो योजना आरंभ की गई है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये की गई है त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो याद रखें गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो रोजगार गारंटी जो योजना है शुरू की गई है झारखंड द्वारा की गई है, ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात आई है झारखंड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट न्यूज़ में झारखंड काफ़ी रहा है, तो बिरसा हरित ग्राम जो योजना है वो आरंभ की गई है इसके द्वारा, और सोहराई एवं जो कोबर आर्ट को है उसको GI टैग मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर ध्यान में रखें गाइस। और प्रज्ञा ऐप जो है वो कोरोना सहायता ऐप है वो भी झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में किस शहर ने मिशन जीरो जो है वो लॉन्च किया है। तो मिशन जीरो जो लॉन्च किया गया है ये किस शहर के द्वारा किया गया है यहाँ पे, तो मुंबई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है वो आरंभ की है। तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई है दोस्तों, ये की गई है आपके मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन टू जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखें। अब बात आई है मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफी रिसेंट में न्यूज है तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश की जो रिसेंट में रहे तो जीवन शक्ति योजना जो है जिसमें महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाएंगी और बेचेंगी, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टॉप पेरेंट ऐप भी जो लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना जो है वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखें आप। एंड संकल्प योजना जो है वो की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, बात करें यहाँ पे तो हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव
एक ट्रेन है जो जिसकी स्पीड अराउंड 600 किलोमीटर पर आर है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पे चाइना के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखें, हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन है। तो यहाँ पे चाइना की बात आई है तो थोड़ा सा रिसेंट न्यूज में जो है काफी अच्छा रहा है, तो यहाँ पे देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगयून 201-202 जो उपग्रह है वो लॉन्च किए गए हैं, और यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में होने वाले हैं उनकी मेजबानी भी चाइना करेगा। न्यू करेंसी जो है अभी लॉन्च की गई है हाल ही में, DCEP नाम से, एंड यहाँ पे हाई स्पीड जो मैग्लेव ट्रेन है ये अभी हमने देखा, तो ये भी रिसेंट न्यूज में है, ये आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य ने हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना जो है वो आरंभ की है। तो इंदिरा रसोई योजना जो आरंभ की गई है वो की गई है दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखें गाइज। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं 73 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो है खिताब जीता है। तो इनमें से किसने जीता है दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब, लिवरपूल FC ने जीता है दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो बात करें निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत योजना 2020 पुरस्कार जो है वो जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसके द्वारा जीता गया है ई पंचायत योजना 2020 पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो निम्न में से किसने ई ब्लड सर्विस नामक जो है वो ऐप लॉन्च की है। तो ये जो ऐप लॉन्च की गई है ये की गई है यहाँ पे ऑप्शन 1 डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ऐप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप जरूर माइंड में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में किस राज्य में देविका एवं पुनिजा जो है वो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो ब्रिज हैं दोस्तों ये कहाँ पे हैं, ये जम्मू कश्मीर में अभी उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें, काफी न्यूज में है अभी। तो जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जान लेते हैं बेसिक जो भी है। कैपिटल की बात करें श्रीनगर है, पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो 28 है यहाँ पे देख सकते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है GC मुर्मू, और चीफ जस्टिस जो है वो गीता मित्तल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा रहेगा, प्रमुख जो डैम्स हैं दुलस्ती सलाल और बगलिहार डैम है, ये चेनाब नदी पर हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट है उरी डैम है वो झेलम नदी पर है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ से मैप आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर वीडियो देखने हो तो आप प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीकली सेशन जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को किया दोस्तों, यहाँ पे कुशीनगर जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो आप देख पा रहे हैं निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेगनाइट स्किल बिल्ड इनोवेशन जो है वो कैंप शुरू किया है। तो किसके साथ मिलकर यहाँ पे ये किया गया है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पे IBM के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर माइंड में रखें एंड इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंप है ये शुरू किया गया है IBM के द्वारा मिलकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो हाल ही में किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। तो किस देश ने किया दोस्तों राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ ऑनर से सम्मानित ये किया है, ब्रिटेन देश ने, बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य द्वारा किल कोरोना अभियान जो है वो आरंभ किया गया है। तो किल कोरोना नाम से जो अभियान चलाया गया है दोस्तों वो अभी हाल ही में चला गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। ऑप्शन 1 विल बी द यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, तो इम्पोर्टेंट है गाइज। तो यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा आप क्वेश्चंस के जितने मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एवरी जितने भी बुक्स हैं जितने भी राजदूत हैं सभी को एक साथ आपको पढ़ाया गया है, और काफ़ी बेस्ट तरीके से मैं अपनी तरफ से आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरे मंथ की करंट अफेयर हमने यहाँ डिस्कस की, और अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट जो जून डे को। तो वर्ल्ड जो मिल्क डे हर साल मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान में रखें।
और कोई भी क्वेश्चन है उसके यहाँ पे डे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थीम दोस्तों। तो थीम 2020 की जो रही है वो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, और इसी के साथ एक अलग से आप नॉलेज ले लें कि 26 नवंबर को जो नेशनल मिल्क डे हम मनाते हैं, और वर्ल्ड जो मिल्क डे अभी मनाया गया है वो 1 जून को मनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, खासकर थीम जरूर माइंड में रखें गाइज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर बार पूछा जाता है ये कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी थीम जरूर याद रखें, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, होस्ट बाई कोलंबिया के द्वारा इस बार होस्ट किया गया है यहाँ पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, वो 7 जून को मनाया जाता है, और WHO इसे मनाता है। तो यहाँ पे 7 जून के मनाता है, कौन सा है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो विश्व महासागरीय दिवस जो 8 जून को मनाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पिछली बार SSC ने भी पूछा था, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें, इसे वर्ल्ड ओशन डे बोलते हैं। तो यहाँ पे थीम जरूर माइंड में रखें, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन जो है इसकी थीम रहेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर माइंड में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले। नेक्स्ट डे की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे विश्व प्रत्यायन जो दिवस है वो 9 जून को मनाया जाता है, और इसे वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो डे मनाया जाता है उनके 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आप माइंड में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे की, तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है, ये बीमारी है, इसे मनाया जाता है 13 जून को दोस्तों, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो रही है मेड टू शाइन। तो इंपॉर्टेंट है, आप थीम जरूर माइंड में हर एक क्वेश्चन की जरूर रखें इनमें। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, एंड वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डे की, तो विश्व रक्तदान दिवस है जो मनाया जाता है आपका 14 जून को दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है ये, वर्ल्ड जो ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगला है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो 15 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम है दोस्तों लिफ्टिंग अप वॉइस। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम आप जरूर माइंड में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट डे रहेगा यहाँ पे ग्लोबल विंड डे, तो ग्लोबल विंड डे जो मनाया जाता है वो भी 15 जून को ही मनाया जाता है, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट डे की बात करें तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस जो है वो मनाया जाता है 17 जून को, जिसकी थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, फूड फीड और फाइबर जो है आपकी इसके यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 जून को ये मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इस बार की एवरी एक्शन काउंट जो है आपके यहाँ पे थीम रहेगी, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर माइंड में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे योग दिवस की दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं योग दिवस जो है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी एग्जाम के लिए, तो योगा एट होम योगा विद फैमिली जो है इसकी इस बार की थीम रही है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब खास कर करें दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप आने वाली अदर वीडियोज से भी कनेक्टेड रहें, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी हमारे रह गए हैं इंपॉर्टेंट डेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, तो विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है वो भी 21 जून को मनाया जाता है यहाँ पे, और इस बार की जो थीम थी वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप माइंड में जरूर रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो समर सोलिस्टिक डे जो है दोस्तों, ग्रीष्म संक्रांति जिसे बोलते हैं, वो डे भी 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और नेक्स्ट हम बात करें पोलिनेटर सप्ताह, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलिनेटर वीक जो है वो मनाया जाता है 22 जून से 28 जून तक, तो यहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड यहाँ पे MSME जो दिवस है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मध्यम और एंटरप्राइज जो है यहाँ पे दिवस ये मनाया जाता है 27 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और अभी हाल ही की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस देख सकते हैं 29 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस है वो 30 जून को हम यहाँ पे मनाते हैं। तो ये थे दोस्तों पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट जितने भी डेज थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो यही हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन था, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।